बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ अमानुल्लाह नासर और इस वक्त आप किटू टेलीविज़न की खूबसूरत स्क्रीन पर प्रोग्राम देख रहे जान जान बलूचिस्तान। और आज का ये जो प्रोग्राम है ये खूबसूरत रंगों, मजस्मों और स्कैप्चर के दरमियान में है। आज मैं रंगों से खेलने वाले जो हमारे बच्चे हैं बलूचिस्तान के, जो बच्चियाँ हैं जो उन्होंने यहाँ पे काम किया है, उनके बारे में मैं आपसे बात करूँगा, उनसे बात करूँगा। और मैं आपको बता दूँगा कि जान जान बलूचिस्तान में जो बलूचिस्तान के बच्चे हैं वो कितने टैलेंटेड हैं, उनके ख्यालात कितने ज़बरदस्त हैं। तो मेरे साथ रहिए और आज के इस प्रोग्राम में आपको मज़ा आएगा। मुख्तलिफ जो हमारे टैलेंटेड बच्चे जो असातज़ाए कराम हैं उनका, और ये आर्ट गैलरी है और आर्ट एग्जीबिशन है ब्यूटम्स बलूचिस्तान में, जो कि एक यूनिवर्सिटी है। आज हम यहाँ पे रहेंगे, साथ साथ में हम इंशाल्लाह आपको जो हमारा अयूब स्टेडियम है वहाँ पे एक लो कैटेगरी के जो स्कूल्स है उनके बच्चे कितने टैलेंटेड हैं, हमारे प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा वो होगा इंशाल्लाह, वो भी हम आपको दिखा देंगे। आइए मेरे साथ। जनाब, इस वक्त मैं नरगिस साहिबा के पास खड़ा हूँ। नरगिस भी रंगों के साथ खेलती है और इनके बड़े तेज कलर्स है, और ये गालिबन ऑयल पेंट है। जी सर, ऑयल है। अच्छा, तो आप ऑयल पेंट के साथ खेलते हैं। जी। अच्छा, वो जो दूसरे आर्टिस्ट थे उनसे मैंने बात की, उन्होंने फीलिंग्स रिकॉर्ड किए थे, ठीक है, इनर जो फीलिंग्स है इंसान के, बच्चियों के, बच्चों के, तो आपने किस तरह ये जो चीज़ें हैं, आपको तो मुझे फूल ही फूल नज़र आ रहे हैं और ये जो समंदर है ये नज़र आ रहे हैं, इसका मतलब है कि मेरी नरगिस बेटी जो है वो बहुत खुश है माशाल्लाह। जी सर, मेरा जो थीम है वो नेचर पे, डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचर, मतलब हम नेचर को कैसे ट्रीट करें पाकिस्तान के अंदर, तो मैंने उस चीज़ पर काम किया। अच्छा, नेचर भी ये होता है ना कि पहाड़ होते हैं, डेजर्ट होते हैं, रेगिस्तान होते हैं, समंदर होते हैं, दरिया होते हैं, परिंदे होते हैं, दरख्त होते हैं, तो आपको किस किस्म का नेचर पसंद है? मुझे जो मतलब ग्रीनरी ज़्यादा पसंद है, जो ग्रीनरी जैसे मैंने अपनी पेंटिंग में भी दिखाई है, ग्रीन ज़्यादा दिखाई है मैंने ना। अच्छा, ये जो आप पेंटिंग्स करती हो इसके तो दो तरीके होते हैं, एक ये कि आप जाके लोकेशन पे वक्त गुजार के उनको देख के आप पेंट करती हो, कुछ लोग ऐसे आजकल एक आसानी ये पैदा हो गई है कि लोग जो है ना पिक्चर को देख के उसको पेंट करते हैं, तो आप किस तरह करती हैं? मैं सर रेफरेंस लेके, मतलब लाइव तो नहीं करती हूँ, रेफरेंस लेके ऐसे ही, मतलब जिस टाइम दिल करे घर में या फिर यूनिवर्सिटी में। थीसिस तो मैंने यूनिवर्सिटी में किया है। तो आप क्या फ्यूचर देख रहे हैं, मतलब कुछ लड़कियाँ जो है ज़्यादातर वो डॉक्टर्स वगैरह बनती है ना, ठीक है, या बैंकिंग में होती है वो, तो आप इस काम का क्या फ्यूचर देखती है आइंदा? सर फिलहाल तो मैं सोच रही हूँ कि अगले साल एमएस के लिए लाहौर जाऊँ और फिर यही आर्टिस्ट बन जाऊँ बड़ी। अच्छा, आपका बैकग्राउंड हज़ारा से, हज़ारा कबीला माशाल्लाह, वो भी कबीला है जिस तरह पठान है, बलोच है, हज़ारे भी इस तरह, तो आपके माँ बाप सपोर्ट करते हैं आपको? जी सपोर्ट करते हैं बहुत। अच्छा, इसके अलावा आप क्या करती है, मतलब आपकी क्या हॉबी है? हॉबी बस स्पोर्ट्स में बैडमिंटन खेलती हूँ। अच्छा। जी, और मैं यही पूछना चाह रहा था क्योंकि हज़ारा जो लड़कियाँ हैं वो स्पोर्ट्स में ज़रूर होती है, तो आप इसके अलावा कोई म्यूजिक वगैरह भी सुनती है या? म्यूजिक जी सुनती हूँ, शौक है। अच्छा, जी। इस किस्म के फैसिलिटी नहीं है ना, मतलब एक सिंगर के लिए जैसे अभी गिटार का क्लासेस हो या पियानो की क्लासेस हो, यहाँ पे वो फैसिलिटीज नहीं है, लेकिन शौक है बहुत। आपने तो ऑस्ट्रेलिया भी आप जा सकती है, कनाडा भी आप जा सकती है, फिर वहाँ पे जब जाके फिर देखते हो आप, मतलब। हाँ, यहाँ पे तो फिलहाल नहीं है वो चीजें। आप यहाँ पे खुश है, घर में खुश है, इस नेचर में खुश है, या बाहर जाना चाहती है? सर नेचर तो खूबसूरत हर जगह होती है, जहाँ पे भी जाए नेचर ओवरऑल खूबसूरत है, लेकिन यहाँ पे जो मतलब रिस्ट्रिक्शंस होती है लड़कियों पे, मतलब फिर भी ठीक है हम आ रहे हैं यूनिवर्सिटी, लेकिन फिर भी एक तरह के वो पाबंदी है लड़कियों पे ना, तो इस लिहाज से पढ़ाई के लिहाज से फ्यूचर के लिए
فورن ہی بیسٹ ہے, یورپ وغیرہ. یہ جو لڑکیاں کہتی ہیں ہم پہ پابندی ہے, اس پابندی کو ختم کون کرے گا؟ اگر بیوٹمز یونیورسٹی کی ایک پڑھی لکھی لڑکی ان پابندیوں کو ختم نہیں کر سکتی ہے, تو پھر یہ جو پہاڑوں میں رہتی ہے وہ بیچاری جو کوچی خواتین ہیں, جو خانہ بدوش ہے, ان سے کیا ہم امید رکھیں گے کہ وہ ان کو ختم کرے گی؟ سر وہ ایک ہوتی ہے نا, ہر کسی کی سوچ ہوتی ہے نا, کہ مطلب ہر کوئی اپنا سوچ, مطلب اپنے بندے سے ہی چینجز آتے ہیں نا, مطلب جیسے ابھی میں خود الگ سوچوں وہ الگ سوچے, اس طرح سے چینجز ہوتی ہے. اب یہ نہیں ہوتے کہ میں مطلب جا کے ان کو بولوں کہ آپ لوگ اس طرح نہ کریں, مطلب چینجز جو ہے وہ پہلے سیلف سے ہی آتی ہے نا, مطلب سیلف کو آپ ڈیولپ کرو, خود پہ چینجز لاؤ, اس کے بعد. ٹھیک ہے بیٹا, بہت شکریہ, بہت شکریہ, مہربانی. جی ناظرین, اس وقت میں ایمان فضل صاحبہ جو ہے میری بچی, ان کے ساتھ میں کھڑا ہوں. پہلے ایمان فضل صاحبہ اپنے قوم کے بارے میں, اپنے ڈپارٹمنٹ کے بارے میں, اپنے کام کے بارے میں تھوڑی سی بتا دیں گی, پھر ان کا بہت کلرفل کام ہے تو یہ اس کلرز کے بارے میں بتا دیں گی, ان کا کیا مطلب ہے اس کے بارے میں بتا دیں گی. السلام علیکم بیٹا. وعلیکم السلام. کیسی ہے بیٹا؟ الحمدللہ میں ٹھیک, آپ خیریت سے؟ آپ بلوچ ہو نا؟ جی میں بلوچ ہوں, میں بزنجو. کس قوم سے آپ کا تعلق ہے؟ میں بزنجو ہوں. بزنجو ہو, ماشاءاللہ. غوث بخش بزنجو صاحب, طاہر بزنجو صاحب, عاصل بزنجو صاحب, عاصل بزنجو صاحب اور طاہر بزنجو صاحب میرے دوست بھی ہیں, ٹھیک ہے. اور غوث بخش بزنجو صاحب جو سیاستدانوں میں ایک تین چار سیاستدان ہیں جن کا میں فین ہوں, اس میں ایک غوث بخش بزنجو صاحب بھی ہے. تو جب آپ اس قبیلے سے تعلق رکھتی ہے, ماشاءاللہ پنجگور سے؟ جی وہ تو پنجگور سے, لیکن میرا تعلق خوزدار سے ہے. خوزدار سے ہیں, کیونکہ وہاں پہ بھی ہے میں نے دیکھے. اچھا اب بیٹا اس پہ آتے ہیں, اس کا کیا مطلب ہے؟ میرا کام کا بیسیکلی ٹاپک ہے کہ ایک بندہ جب سوسائٹی میں پریشرائز ہوتا ہے تو اس کے بعد وہ کیسے خود کو ڈھونڈنے کی طرف کا اس کے جو جرنی ہوتا ہے وہ اس کو کیسے طے کرتا ہے. تو اسی لیے میرے سب پینٹنگز جو ہے وہ کلرفل ہے, کیونکہ ان کے وہ کلرز جو ہے وہ ڈیفائن کرتے ہیں کہ آپ کیسے اتنے سارے اسٹرگلس کے بعد بھی ایک اچھی اور خوشگوار زندگی گزار سکتے ہو. مطلب جی وہ برائٹ کلرز, یعنی اسٹرگلس کے بعد بھی آپ کی لائف میں ہوپ ہے اور آپ اس برائٹ ہوپ کے ساتھ آگے جا سکتے ہو. اور میں نے بھی بیٹا جو زندگی میں دیکھا ہے, جن لوگوں نے زیادہ اسٹرگل کی ہے, ٹھیک ہے, جن پہ بہت زیادہ سختیاں آئی ہے, تو بڑے لوگ وہی بنے ہیں. جی بالکل جی, کیونکہ بزنجو صاحب جو تھے نا, غوث بخش بزنجو صاحب, اس کے بارے میں یہ بتاتے تھے لوگ کہ میں جب, میرا ایک دوست تھا, ان کا دکان تھا جناح روڈ پہ, وہ کہتا تھا کہ وہ تھڑے پہ آ کے سو جاتا تھا, ٹھیک ہے نا, پھر یہ بڑے لوگ بن گئے. ٹھیک ہے اب آپ کے جو نیکسٹ ہے بیٹا, اس کے پاس آتے ہیں, اس کا کیا مقصد ہے؟ اب اس پینٹنگ میں جو ہے یہ مرر جو ہے سوسائٹی کو شو کرتا ہے, اور سوسائٹی کے اندر جو ہے یہ ایک نقطہ, ایک گینچا جو ہے آپ کی چائلڈ ہوڈ اور انوسنس کو شو کرتا ہے, اور وہ اسی اسٹرگل سے نکلنے کے لیے اس شیشے کو بریک کرنے کی کوشش کر رہی ہے, اس کو توڑ رہی ہے تاکہ وہ ریسٹرکشنز اس کے ختم ہو اور وہ اسی زندگی کے طرف لوٹ آئے جو وہ اصل میں وہ چاہتی ہے, نہ کہ سوسائٹی جو اس کو کہتی ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے. اچھا اور یہ تمام جو پابندیاں ہیں ہمارے نا, ٹھیک ہے, کلچرل پابندیاں بھی ہے, ان کا منہ بھی انہوں نے چھپایا ہوا ہے, لیکن اس کے باوجود وہ اپنے اسٹرگل میں لگی ہوئی ہے. جی اس اسٹرگل میں لگی ہوئی ہے کہ وہ اس کو بریک کرے اور اسی سے باہر آ سکے. تو اس پینٹنگ میں جو ہے اس کو زیادہ میں نے برائٹ کیا ہوا ہے یہ, کیونکہ یہ بھی اگر پرانے پینٹنگز میں دیکھے رینیسانس ٹائم پیریڈ کے, تو اس میں جو ہے وہ گولڈ لیف یا ایک فگر کے اراؤنڈ میں اگر یلو لائٹ دکھایا جائے تو اس کا مطلب وہ پیور بندہ ہوتا ہے, یعنی پیور بندہ ہوتا ہے. اس وہ جو اسٹرگل سے گزر, مطلب پیور بندوں کے ساتھ ہی زیادہ تر وہ ہوتا ہے سوسائٹی میں کہ وہ زیادہ اسٹرگلس دیکھتے ہیں. تو اس سول کو بھی میں نے ویسے پیور سول دکھایا ہوا ہے, اور وہ گینچے اس کے ہاتھ سے گر رہے ہیں, یعنی وہ ان کو لوز کر رہی ہے, وہ اپنے چائلڈ ہوڈ, اپنی انوسنس, وہ سب چیزوں کو اس پریشر میں آ کے لوز کر رہی ہے.
और इसमें फिर वो थोड़ी सी फ्रीडम की तरफ आ जाती है कि अपने आप को फील करने की कोशिश करती है. व्हील तो अभी तक उसका है लेकिन अभी भी वो जो है हवा में आप देखें बहुत ही उड़ रही है, बहुत ही एक रिलैक्स स्टेट में. तो वो उन सारे रिस्ट्रिक्शन से बाहर आने के वो है उसका प्रोसेस है. अच्छा बेटा, जब आप ये काम कर रही होती हो, घर वाले आपको कितने सपोर्ट करते हैं? नहीं, मेरे घर वाले तो अल्हम्दुलिल्लाह से मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं. अभी तो अब्बू अम्मी सब बहुत सपोर्टिव. ये नहीं कहते कि आप डॉक्टर क्यों नहीं बनती है, मरीजों के लाइन लगी होगी वहाँ पे नाल में या खुजदार में या पंजगूर में, आप सबसे 2000 रुपये फीस लेंगी, तो ये क्या कर रही हैं आप, हमारे जेब से पैसे लेके उस पर रंग खरीद कर और उसको पेंट कर रही हो? नहीं नहीं, वो अभी काफ़ी सपोर्टिव है, उस चीज़ से खुश हैं कि मैं वही कर रही हूँ जिसमें मैं अच्छी हूँ. तो अच्छा, सपोर्टिव है काफ़ी. जी ये भी आपके है मैं? जी ये भी मेरा. अच्छा, इसके बारे में जरा इसमें अगर पुरानी पेंटिंग आप देखें वो वाली, तो उसमें सिर्फ कुछ क्रैक्स थे लेकिन अभी यहाँ पे उस सोसाइटी के रिस्ट्रिक्शन को उसने पूरा तोड़ दिया है कि अभी उससे बिल्कुल उसने अहद कर लिया है कि अभी उसने उससे बाहर निकलना है. अच्छा, बाहर आ गई है? जी अभी बाहर आने का प्रोसेस है कि वो रिस्ट्रिक्शन तोड़ेगी तो बाहर आएगी ना. अच्छा, तो वही. अल्लाह आपको खुश रखे. थैंक यू. जनाब, इस वक्त मैं आयशा साजिद साहिबा के साथ खड़ा हूं और ये भी आई है और माशाल्लाह ये काम को समझती है, कलर्स को समझती है, इनके पीछे क्या मकसद है उन चीज़ों को समझती है. तो अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल खैरियत से. अच्छा, आप तो जाती रहती है, विजिट करती रहती है मुख्तलिफ गैलरीज के और ये काम के, तो इस काम के बारे में आप बताएं प्लीज. बिल्कुल, फर्स्ट ऑफ ऑल माई सेल्फ, मेरा ताल्लुक भी फाइन आर्ट्स से है, असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ मैं फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट में. पेंटिंग मेरा खास तौर पर जो मेरा शोभा है पेंटिंग है. तो बहुत खूबसूरत एग्जीबिशन है और बहुत प्यारा है. इसमें अमूमन हम पूरा साल, ये थीसिस का जो टाइम होता है, इसमें बच्चों को रिलैक्स छोड़ देते हैं और ये उनका निचोड़ होता है, उनकी गुफ्तगू का, उनके सोचने का, उनकी सलाहियतों का, उनका वो बिहेवियर्स जो वो फील करते हैं, वो इमोशन जो वो छुपाते हैं, वो अनकही बातें, वो रवैये, वो कलर्स, वो एहसास जो उन्होंने कभी किसी के साथ शेयर नहीं किए. अच्छा, ये लोग ये कहते हैं कि अल्लाह ना करे मेरे मुंह में कोई डेढ़ मन खाक. लोग ये कहते हैं कि ये जो आर्टिस्ट है ये आखिर में पागल होते हैं और ये अलग तलग रहते हैं, ये किसी के साथ बात नहीं करते हैं, ख़ास तौर पे ये जो ख़वातीन के बारे में कह रहे, ये ज़ाहिर है इन्होंने किसी और के घर जाना होता है, किसी और के साथ ज़िंदगी गुजारनी होती है, तो वो इसको नहीं समझते, ये उनको नहीं समझती है, तो ये जो है कह रहे कि बहुत बड़ी मसाइल पैदा होते हैं, तो इस बारे में आप बताएं. बिल्कुल अमानुल्लाह साहब, ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक है जो आपने उठाया है, तो इसके बारे में मैं सिर्फ आपको ये कहूँगी कि जो क्रिएटर है वो तन्हा होता है. अल्लाह ताला ने कायनात को खल्क किया तन्हा. एक माँ एक बच्चे को परवान चढ़ाती है, उसको जन्म देती है माँ. लेकिन वो माँ बाप ये नहीं चाहते कि ये अकेली रहे, ये तन्हा रहे, वो माँ बाप फिर परेशान होते हैं ना. तो बस ये है, अब ये तो मामला मूड की बात है. लेकिन ये जो तन्हाई वाला आपने कहा ना, तो लेकिन आर्ट जो है बेसिकली क्रिएशन, वो तन्हा रह के ही आप कर सकते हैं. आप खुद माशाल्लाह एक आर्टिस्ट हैं, आप खुद इस चीज़ को समझ सकते हैं कि आर्टिस्ट के लिए तन्हाई कितनी ज़रूरी होती है. लेकिन ये कि ये नहीं कि आप नाउ आर्टिस आर्टिस्ट सोशल भी हैं और अब आप देख रहे हैं माशाल्लाह वो एग्जीबिशन में अपना काम एक्सप्लेन कर रहे हैं, बयान कर रहे हैं, तो ये चीज़ें पार्ट ऑफ लाइफ है, ये चीज़ें साथ साथ चल. तो आप बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में या यहाँ ब्यूटम्स में? मैं ब्यूटम्स में हूँ और मेरी इसी खित्ते से, मेरी रूट्स बिल्कुल बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी से. मैंने अपना बैचलर कंप्लीट किया, उसके बाद अपने एमफिल एमएफए के लिए मैंने फिर पंजाब यूनिवर्सिटी से अपना कंप्लीट करके उसके बाद फिर अल्हम्दुलिल्लाह ब्यूटम्स को ज्वाइन किया और 10 साल से ये माशाल्लाह सफ़र जारी है.
اچھا پینٹنگز میں بھی یہ ہے کہ مطلب مختلف شعبے ہیں, ٹھیک ہے, واٹر کلر ہے, وہ دوسرے کلر ہے, وہ کوئی ٹک والا ہے, مجھے تو نام نہیں آتے ہیں, ٹھیک ہے. ہماری ایک آج کل لڑکی ہے اقصا ناصر ان کا نام ہے, میں نے ان کا انٹرویو کیا تھا, وہ کوئی کپڑے وغیرہ جوڑ کے کوئی مٹی وغیرہ سے کام کرتے ہیں, تو آپ کس قسم کا کام پسند؟ مان صاحب آج کل کا جو ٹائم پیریڈ جا رہا ہے وہ ماڈرنزم کی طرف جا رہا ہے, کیونکہ ظاہری بات ہے آپ دیکھیں, آپ موویز میں دیکھیں, کانسیپٹس میں دیکھیں, کیمراز بہت زیادہ اور ٹیکنالوجی بہت زیادہ فاسٹ ہو گئی. ہماری اپنی بھی ڈیمانڈ ہے, ہمارے ویئرس جو ہیں وہ کام فاسٹ اور خوبصورت اور انوکھا کام پسند کرتے ہیں, تو میری کوشش یہی ہوتی کام اچھا وہ جیسے پہلے آئیڈیا ریپیٹ نہ ہوا نا, جیسے اسپیشلی یہ ان کا کام ہے, یہ ہمارے ایک اسٹوڈنٹ ہیں, انہوں نے تھریڈ پہ دھاگوں پہ کام کیا ہے, یہ بالکل ایک یونیک چیز ہے, تو اس قسم کا کام ہو جو پہلے ریپیٹ نہ ہو, نیو آئیڈیاز کے ساتھ ہو اور تھوڑا اس میں وقت کے تقاضے کے ساتھ کانسیپچوئل کام ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, سوچ ہونی چاہیے, صرف اس طرح نہیں کہ مطلب آپ نے ایک کام کر دیا ہے, ہر کام کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے, بلا مقصد کے ساتھ کوئی کام ہو تو اس کو زیادہ میں اپریشیٹ. بہت شکریہ. جناب اس وقت میرے پاس ہے عثمان علی اور فدا حسین صاحب, ان کی ایک سٹوری ہے, لیکن ان کی سٹوری سے پہلے میں اپنی سٹوری آپ کو بتا دوں. آپ لوگوں کو میں بتا دوں کہ 14 سال کی عمر میں میرے والد صاحب فوت ہو گئے, پھر اس کے بعد میں نے ہر کیٹیگری کی مزدوری کی, میں نے چھت وغیرہ کنکریٹ کی مزدوری, پھر اس کے بعد میں نے ٹرکس خالی کیے, پھر اس کے بعد میں نے جھاڑو لگایا, پھر میں نے مختلف قسم کے مزدوروں والے کام کیے, اور پھر اللہ تعالیٰ نے کرتے کرتے میرا شوق تھا آرٹ کے ساتھ, ایکٹنگ کے ساتھ, رائٹنگ کے ساتھ, تو اللہ تعالیٰ نے مجھے مواقع دیے. اسی طرح دو شعر اس وقت میرے سامنے کھڑے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ ان کی کہانیاں بھی آپ لوگ سن لیں انہی کی زبانی. تو پہلے ہم عثمان علی صاحب کی طرف آتے ہیں, پہلے آپ اپنی کہانی بتا دیں, آرٹ کے بارے میں بعد میں بات کریں گے. السلام علیکم, میرا نام عثمان علی ہے اور بیسیکلی میرا تعلق کوئٹہ سے ہے. آرٹ کا شوق تو ایکسیڈنٹلی ہی ہوا, لیکن ایسا ہے کہ میٹرک کے بعد میں نے ایک وڈ شاپ تھی جہاں پہ میں اپنا یہ ایز اے سیلز مین کام کر رہا تھا, تو اس کے بعد اتنے حالات تھوڑے سے ناساز تھے کہ میں آگے پڑھ سکا آرٹ کے بارے میں. تو چونکہ آہستہ آہستہ جو اللہ تعالیٰ نے یہ موقع مجھے فراہم کیا تو میں آرٹ کی طرف آیا کہ بھائی میرے اسسٹنٹ پروفیسر ہیں ایسٹرن بیوٹنز میں, ان کی مدد سے اور میرے استاذہ کی مدد سے, میں نے اسپیشلی کلیم صاحب کی مدد سے میں نے آرٹس کونسل 2009 میں جوائن کیا اور وہاں پہ میں نے 6 منتھ کا ڈپلوما کیا, جہاں سے کلیم صاحب سے میری تھوڑا سا مزید حال ول ہوا. تو اس دوران میں نے مرک کمپنی میں بھی جاب کی ایز اے ڈیلی ویجز پہ, ایز اے اسٹور کیپر, اینڈ اس کے علاوہ میں نے ایک چھوٹی موٹی اسکولس میں بھی جاب کی. کرتے کرتے اب میں بیوٹنز میں نے ایڈمیشن لیا ہے اور بیوٹنز میں 2013 میں آیا. میں نے اپنی کڑی محنت کی یہاں پہ اور بیسیکلی میں ایک اسکپٹر ہوں, میری اسپیشلائزیشن اسکپچر میں ہے, اور آج الحمدللہ میں اپنے ٹیچر کی سربراہی میں کلیم صاحب, وہاب صاحب, عمران صاحب, معراج صاحب اور باقی میرے تمام جو اساتذہ ہیں ان کے سائے میں الحمدللہ آج اتنا ٹرین ہو چکا ہوں اور مزید انہی کے سائے میں رہنا چاہتا ہوں. الحمدللہ آج میرے کام کافی پبلک پلیسز میں, کینٹ میں اور دکی میں, یہاں پہ میرے ڈسپلے ہیں. یہ میرا چھوٹا سا ایک. بہت شکریہ. اور ناظرین یہ ان کے انٹرویوز میں آپ لوگوں کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ کچھ لوگ فریاد کر رہے ہوتے ہیں کہ میں نہیں پڑھ سکا,
मेरे पास पैसे नहीं थे, मेरे माँ बाप ने मुझे नहीं पढ़ाया, तो फिर मैं यही कोयले का मजदूरी कर रहा हूँ, या मैं ट्रक की क्लीनरी कर रहा हूँ, या मैं ड्राइवरी कर रहा हूँ। ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि अगर आपके पास जज्बा हो और आप अपने असातज़ाए कराम का इज्जत करें, आप सही ट्रैक पे चले, तो इंशाल्लाह आप भी उस्मान अली बन सकते हैं। और अब मैं आता हूँ फिदा हुसैन साहब की तरफ। फिदा हुसैन साहब, आपका चेहरा बहुत खूबसूरत है, फोटोजेनिक है, तो इसलिए आप इस तरफ देख ले। और फिदा हुसैन साहब जो है ना, वो रिक्शा चला रहे हैं, और ये बहुत बड़ा ज़बरदस्त इस वक्त जो है हमारे बलूचिस्तान के आर्टिस्ट है स्कल्पचर के हवाले से। तो पहले मैं फिदा हुसैन साहब से उसकी कहानी उन्हीं की ज़बानी आपको सुनवाना चाहता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फिदा हुसैन। सबसे पहले आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग ने हमें टाइम दिया। और मैं खुद हूँ एक आर्टिस्ट हूँ, स्कल्पचर हूँ, और इसके साथ साथ मैं अपने काम के पैसे के निकालने के लिए मैं पार्ट टाइम रक्षा भी चलाता हूँ। और आज जो मैंने काम किया है, मेरे टॉपिक के बारे में है कैरिकेचर। जो मैंने काम किया है, जो मुझे इसका टाइटल का बहुत अजीब से मुझे शौक हो गया था, हालांकि मेरे पास टाइटल टॉपिक बहुत थे, लेकिन जब मैंने देखा कि मैंने देखा क्यों वो नहीं बोलते कुछ नया करें, तो आज मैंने कुछ नया किया है अपने क्लास फेलो को कैरिकेचर बनाकर, और मुझे बहुत खुश महसूस हो रहे हैं। अच्छा, इनमें कौन सी चीज आपने बनाई? ये चीजें स्कल्पचर सारा मैंने खुद बनाया, 5 स्कल्पचर मैंने बनाया अपने क्लास फेलो को, उसके करेक्टर के हिसाब से उसका कैरिकेचर बनाया। अच्छा, मतलब वो जो है वो ये एक स्कल्पचर ये है जो मेरा क्लास फेलो ये लड़की थी। अच्छा। जो सारे दिन अपने मतलब मेकअप में बिजी थी, मतलब पढ़ाई का उतना खास नहीं था, लेकिन सारे दिन अपने आप को खूबसूरत बनाने के लिए मेकअप करे थे। तो जब मैं भी इसको देखता था, मुझे एक करेक्टर याद आते थे, कचरा रानी, जो मैंने उसको उसका करेक्टर उससे भिजवाया। और ये खुद ये मेरा खुद है, जो अक्सर मेरे क्लास फेलो मुझे कहते थे कि आप जो है, मैं खुद क्लास में लोगों को हंसाता था, लोगों के साथ शुगल करता था, मजाक करता था, वो लोग मुझे जो है चार्ली मुझे चार्ली तो मैंने अपने आप का करेक्टर चार्ली पे दिया है, चार्ली के करेक्टर। अगर मैं आपसे फरमाइश करूं कि इस वक्त आप हमारे नाज़रीन को थोड़ा सा हंसाने की कोशिश करें, तो आप हंसा सकते हैं? फिलहाल तो नहीं। अच्छा, क्योंकि चलो आप याद कर ले, मैं आपको वक्त दूंगा, तब तक मैं उस्मान साहब से बात करूंगा, फिर आपके पास आऊंगा, ठीक है? जब तक आप याद करें। और मैं आपसे एक और सवाल ये कहना चाहता हूँ कि हर आर्टिस्ट का एक टारगेट होता है कि मैंने वहां तक पहुंचाना है, ठीक है ना? तो वो क्या है आपका, ठीक है? और प्लस एक थोड़ा सा मतलब नाज़रीन को और मुझे हंसाने के लिए, मैं आपको हंसाऊंगा, आप मुझे हंसाएंगे, ठीक है जी? उस्मान अली साहब, अब आप मुझे ये बताएं कि हर आर्टिस्ट का एक टारगेट होता है कि मैंने वहां तक पहुंचना है, तो आपने कहां तक पहुंचना है और आपका रोल मॉडल कौन है भाई? सर, मेरा रोल मॉडल तो कलीम साहब ही हैं। अच्छा। जिनसे मैं इंस्पायर हुआ, और जैसे मैंने अपने प्रीवियस मैंने आपको बताया कि आज उन्हीं की वजह से ही हैं, और उन्हीं के साथ काम भी कर रहा हूँ। बेसिकली 2013 में मैं यहाँ पे आया था, और एज ए स्टूडेंट, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने यहाँ पे अपनी मेहनत की, स्पेशलाइजेशन स्कल्पचर में की, और 2018 में मैं यहाँ पे अपॉइंट हुआ एज ए लेक्चरर। आज मैं यहाँ पे 2018 से पढ़ा रहा हूँ टिल टू डेट, और स्कल्पचर की क्लासेस मेरे पास होती हैं, और इसके अलावा मैं अपना काम भी कर रहा हूँ स्कल्पचर का, और डिफरेंट जगहों पे मेरे काम लगे हुए हैं, और बलोचिस्तान लेवल पे मैं अपनी मेडल कास्टिंग भी कर रहा हूँ, जो कि यहाँ पे इस टाइम कोई नहीं कर रहा, तो वो भी मैं कर रहा हूँ। बहुत शुक्रिया। अब मैं फिर फिदा हुसैन साहब के पास आ रहा हूँ। उम्मीद है फिदा हुसैन साहब इस वक्त तैयार हो गए होंगे, रेडी है जनाब। और एक चीज़ और भी है ना, जो हम लोग के सोसाइटी में हर किसी के ऊपर एक निक नेम होता है। जी जी जी। किसी को पता नहीं बड़े सर वाले बुलाता है, किसी को कुछ ना कुछ उसका निक नेम देता है। जो मैंने मेरा एक वो है अपने अंदर एक खामिया बोलो या टैलेंट बोलो, मैं हर किसी को उसके ऊपर एक निक नेम रखता हूँ। जो इनमें से भी ऐसे करेक्टर्स है जो मैं उसको चार साल में उसको वही चीज़ पुकार रहता था, है ना, उसी चीज़ को वही करेक्टर उसको दे देता था, और इसीलिए मैंने इनका करेक्टर भी बनाया। और फिलहाल तो इतना खास हो रहा है। अच्छा, आपका क्या है टारगेट, क्या है आप कहाँ तक पहुँचना चाह रहे? मैं तो इस चीज़ में अभी खुश हूँ, और आगे मजीद पढ़ना चाहता हूँ अगर कोई सपोर्ट हो तो फिलहाल। लेकिन यहाँ पे तो नहीं, यहाँ पे तो इतना फैसिलिटी नहीं है यहाँ पे हम लोग क्या, और आगे इंशाल्लाह
کوشش کرے گا ان شاء اللہ اگر ہو گئے تو آگے ان شاء اللہ مزید پڑھوں گا جی ناظرین ان دونوں نوجوانوں کا انٹرویو دکھانے کا مقصد یہ تھا کہ اگر آپ میں جذبہ ہو آپ میں شوق ہو تو آپ رکشہ چلاتے ہوئے یا دکاندار کے پاس آپ سیلز مین کا کام کرتے ہوئے یا آپ بوریاں اٹھاتے ہوئے بھی یونیورسٹی تک آپ پہنچ سکتے ہیں جس طرح یہ دونوں نوجوان پہنچے ہیں تو اب اس طرح کرتے ہیں کہ ایوب اسٹیڈیم میں بھی اس طرح ہمارے کچھ نوجوان ہیں ٹیلنٹ اس میں بچے بھی ہیں بچیاں بھی ہیں میں چاہتا ہوں کہ وہاں پہ چلے جائیں اور باقی جو پروگرام ہے وہاں عبداللہ اچکزئی سے مولانا ناصر صاحب بہت شکریہ اور ناظرین بالکل میں اس ٹائم موجود ہوں ایوب اسٹیڈیم میں آپ میرے عقب میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس ٹائم یہاں پر بہت بڑی تعداد نوجوانوں کی موجود ہے جو کہ اسپورٹس کھیل رہے ہیں اور اسپورٹس میں بھی کیا کھیل رہے ہیں جناب ہمارا جو نیشنل جو گیم ہے وہ تو ہاکی ہے لیکن یہاں پر جو کریز ہے وہ کرکٹ کا سب سے زیادہ ہے تو یہاں پر ہمارے پاس کافی نوجوان ہیں اب اسکول کی چھٹیاں بھی چل رہی ہیں تو یہ آئے ہوئے ہیں یہاں پر کرکٹ کھیل رہے ہیں آئیے ان سے بات کرتے ہیں جی ناظرین یہاں پر ایک نوجوان بالکل شاہد خان افریدی کے سٹائل میں بیٹنگ کر رہے ہیں ان سے بات کرتے ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام آپ کا نام نصیب اللہ نصیب اللہ نصیب اللہ آپ بیٹسمین ہیں یا آپ بالر ہیں نہیں میں تو بیٹسمین ہوں بیٹسمین ہے اسی لیے بولے بیٹ میرے ہاتھ میں جی جی یہ تو بیٹ ہے کتنے عرصے سے کرکٹ کھیل رہے ہیں یار بچپن سے کھیلا ہوں بچپن سے تقریباً کتنے ہوتے ہوں گے سال تقریباً 10 سال تو ہو چکے 10 سال ہو گئے یعنی کہ اس سے پتہ لگ گیا ہمارے ناظرین کو کہ 10 سال پہلے آپ چھوٹے تھے بالکل بالکل اچھا یہ مجھے بتا دیں کہ یہاں پر آپ کیوں کھیل رہے ہیں آپ کہیں اور کیوں نہیں کھیلتے ایوب اسٹیڈیم میں یہ اتنی تعداد ہے آپ دیکھیں ایک ساتھ ہی وکٹس رکھی ہوئی ہیں الگ الگ جگہ کیوں نہیں کھیلتے دیکھیں بات ایسی ہے ہم لوگوں کو کھیلنے کی جگہ نہیں ہے یہاں پہ جو ہے یہ گھر کے ساتھ نزدیک بھی ہے اور جناٹا ہے وہ کافی دور ہے ہم سے اور یہاں پہ جو ہے ہم لوگوں کا رش کش ہے تو نہیں کھیل سکتے ہیں ہم لوگ صحیح پھر بھی آپ کھیل رہے ہیں یہاں پر کتنا مزہ آتا ہے یہ بتائیں کرکٹ کھیلتے ہوئے یار کرکٹ کھیلنے میں تو مزہ ہے اچھا لگتا ہے نا اچھا تو بس یہ جو ہے ساتھ ساتھ میں کھیلنے میں کچھ مشکل ہوتا ہے کبھی بیٹسمین کا گیند لگ جاتے دوسرے بندے پہ تو بندے کچھ ناراض ہو جاتے ہیں اچھا ناراض ہو جاتے ہیں لیکن ہم نے تو ناراض نہیں ہونا نا ہم نے تو کھیلنا ہے اور جو اسپورٹس مین ہوتا ہے وہ تو کبھی ناراض ہوتا ہی نہیں ہے نا بالکل بالکل نہیں اگر ویسے دوسرے بندے آتے اسپورٹس مین تو کچھ نہیں کہتے اگر دوسرے بندے یہاں سے گزرتے تو موٹر سائیکل بیچ میں آتے تو لازمی اس کو اچھا نہیں لگتا ہے خطرناک چھکے لگائیں گے تو لوگ ناراض ہوں گے نا لازمی جناب یہاں پر آگے بھی ہمارے ساتھ دوست ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں انہوں نے بھی بال پکڑی ہوئی ہے یہ میرے خیال بالر ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام بھائی خیریت سے نام کیا ہے آپ کا سرفراز احمد سرفراز احمد سرفراز تو ویسے بھی ہمارے جو ہے نا کہتے سرفراز دھوکہ نہیں دے گا نا ہمارا کیپٹن دھوکہ تو اس نے نہیں دیا آپ لوگوں نے اس کو دھوکہ دے دیا ہم نے کیا دھوکہ دیا بھائی جو پرفارم کر رہے آپ لوگوں کی توسط سے میسج میں دینا چاہتا ہوں کہ اس کو باید موقع دے ہوئے ٹیسٹ میں اس کو کھلائے وہ ٹیسٹ کا پلیئر تو ہے نا یار اس کو کھلائے نہیں موقع نہیں دیا اس کو اچھا جی چلے یہ تو ہوگی بات سرفراز آپ یہ بتائیں آپ کرکٹ کھیلتے ہیں بالر ہیں بیٹسمین ہیں یار میں بیٹسمین تو گیند کیوں ہاتھ میں بس یہ بالر کے لیے اٹھایا ہوا بالر کے لیے اسپیشل گیند کے اوپر دم کر رہے ہیں کہ بھائی یہ پھر چھکے لگے اس پہ نہیں یہ تو اس لیے اٹھایا کہ اس کی مدد کریں گے اپنے پریکٹس بھی ہو جائے گا بالر کا بھی پریکٹس ہو جائے گا اسی لیے تو ہمارا نیشنل گیم جو ہے وہ ہاکی ہے لیکن یہاں پر میں دیکھ رہا ہوں زیادہ تر لوگ کرکٹ کھیل رہے ہیں کیوں یار کرکٹ زیادہ ہو گیا ہاکی کے لیے فیسلٹیز نہیں ہیں یہاں پہ ایک گراؤنڈ ہے یہاں ہاکی کا ایک گراؤنڈ ملے گا کرکٹ کوئٹہ میں آپ کو 3 بڑے گراؤنڈ ملے گا اس میں جگہ نہیں ملے گا آپ کو کرکٹ زیادہ ہو گیا لیکن یہاں پہ گورنمنٹ کا سپورٹ نہیں ہے کرکٹ کے حوالے سے دیکھو آپ پاکستان کے لیول پہ دیکھو بلوچستان کے لیول پہ دیکھو ایک آصف اللہ کو لیا ہوا ہے اس وقت 20 میں باقی سارا پلیئر کسی کو عبد الواحد بنگل سے اس کو موقع نہیں مل رہا ہے پی ایس ایل میں اس دفعہ نہیں لیا اس کو حالانکہ پی ایس ایل کوئٹہ کا ٹیم ہے کوئٹہ کا 3-4 کھلاڑی ہونا چاہیے اس میں لیکن اس کو ایک کھلاڑی بھی نہیں ہے اس کو بھی نکالا اس بار نہیں لیا اس میں ابھی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر آپ کو لیا جائے کس ٹیم میں کھیلیں گے اپنا کوئٹہ میں کھیلیں گے اگر موقع مل گیا تو کوئٹہ میں تو بسم اللہ بھی کھیلا ہے حسیب اللہ بھی کھیلا ہے جلاد بھی کھیلا ہے یار موقع وہ فیسلٹیز نہیں ہیں یہاں پہ موجود
जो होना चाहिए। क्वेटा के क्रिकेट ने इतनी ज़्यादा है कि मैं क्या बताऊँ आपको, लेकिन मौका क्या बतावे यार, हम लोग दिल टूट गया क्रिकेट से। क्यों टूटा है दिल, क्यों टूट जाता है इतनी, इस वजह से कि फैसिलिटीज नहीं। फिर इधर गेंद फिर भी पकड़ी हुई है, देखो हम लोग दिल टूटा हुआ है जना, फिर भी क्रिकेट खेले। पूरा बलूचिस्तान में क्वेटा में एक दो अकेडमी आपको मिलेगा, और अकेडमी तो है नहीं यहाँ पे, तो हुकूमत की अगर सपोर्ट होगी तो हम लोगों का जो है ना, क्या सपोर्ट कर सकती है मिसाल के तौर पर ये नौजवानों, आप देखो सारा ग्राउंड भरा हुआ है नौजवानों से, अगर इनको मौका मिले उनको सपोर्ट करे हुकूमत, ग्राउंडज एक ये ग्राउंड बना हुआ है, दो तीन चार ग्राउंडज है आठ बॉल की, उसमें भी ये लड़के आप उठा नहीं सकते हो, तो मौका तो नहीं मिल रहा है ना हम लोगों को। अगर हम लोगों को हुकूमत की तरफ से फंड्स मिले, हम लोगों को सपोर्ट करे, तो हम लोग आगे जा सकते हैं, पाकिस्तान का नाम भी रोशन कर सकते हैं, बलूचिस्तान का भी नाम रोशन कर सकते। ज़बरदस्त। आपका पसंदीदा प्लेयर पाकिस्तान के लेवल पे अहमद शहजाद। अहमद शहजाद वो भी नहीं खेल रहा ना, तो जितने खिलाड़ी नहीं खेल रहे सब इसको पसंद है भाई, वो शायद इसीलिए बाहर गए, आप पसंद कर रहे हो। नहीं हम पसंद नहीं कर रहे, हम लोगों को थोड़ा सपोर्ट तो कर रहे हैं ना, पाकिस्तान में ऐसा प्लेयर है जो अहमद शहजाद। ठीक है जी, अजान भी होगी, नमाज का टाइम है, आगे हमारे साथ रहिए, आगे भी मजीद इंटरव्यूज होंगे, हमारे साथ रहिए। जी नाजरीन, ये देख सकते हैं कि बड़े बड़े प्लेयर जो इनको अगर मौका मिले तो ये बहुत हमारे मुल्क का नाम रोशन कर सकते हैं, यहाँ पर बड़े अच्छे प्लेयर हैं। एक भाई यहाँ पर भी है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद अहमद। मोहम्मद अहमद, कितना प्यारा नाम है। विकेट है, टेप है और बैट है, प्लेयर्स किधर हैं? जी प्लेयर्स उधर खड़े हुए हैं, अभी एक मैच खेलना है हम लोग। अच्छा, ये किराए पर मिलती है विकेट? जी विकेट हमेशा किराए पर लेता हूँ, बैट मेरी दरीब पड़े होते हैं। अच्छा, बैट जमा किए होते हैं यही पे? जी इतबार है इन पे। हाँ इतबार है, इससे पता लगता है रेगुलर आते हैं खेलने। अच्छा मोहम्मद साहब बताएं, बैट्समैन है बॉलर है? मैं ऑलराउंडर। ऑलराउंडर, एक और ऑलराउंडर मिल गया भाई, आज हम गिनेंगे ऑलराउंडर कितने हमारे पास। अच्छा आपको अपनी बैटिंग पसंद है बॉलिंग पसंद है? यार मैं, मेरा बॉलिंग से लोग बहुत डरता है, बस मैं स्लो बहुत फेंकता हूँ उसमें। अच्छा स्लो वन होता है? हाँ स्लो वन, स्लो वन इसमें बेहतर है। जी जी, ये मुझे बताएं कि यहाँ पे क्यों खेलते हैं, ग्राउंड क्यों नहीं बुक कराते, हार्ड बॉल की तरफ क्यों नहीं जाते? यार मैं बस अपना सबक पढ़ता हूँ, हाफिज भी हूँ, माशाल्लाह, बस ये इलम का इरादा है, इंशाल्लाह आलिम बनना है। बस एक जुमरा छुट्टी होते है, बस ग्राउंड की तरफ आते है, बस पसंद है लोग, बस हम लोग तालिब लोग है, बस इधर एक मैच जुमे को जुमरात करने जरूर आते हैं। कितने मैचेस खेलते हैं एक दिन में? दिन में बस इस टाइम एक मैच होता है, बस टाइम तो नहीं है, बस जुमे का दिन सुबह भी आते हैं, दोपहर को भी आते हैं। अच्छा मतलब हफ्ते में दो दिन आप क्रिकेट को ही देते? जी जी मैं जरूर देता। तो अगर मौका मिले क्रिकेट में एक नाम बनाने का तो आप किस टीम में खेलना पसंद करेंगे? कैसे PSL की? PSL मैं अपना क्वेटा, क्वेटा को पसंद करता हूँ। क्वेटा में कौन सा प्लेयर पसंद है? क्वेटे में इस टाइम अभी तो सैम अयूब है, सैम अयूब को बहुत पसंद है मेरे। सैम अयूब पेशावर जलमी की तरफ से खेलता? जी तो पहले पेशावर जलमी की तरफ से खेलता था, बाबर उसके कैप्टन होते थे, अभी हम लोगों का सरफराज की टीम में आगे। बस क्वेटे सरफराज नहीं खेल रहा ना अभी पाकिस्तान टीम में? हाँ नहीं खेल, फिर भी इसने अभी इस बार टेस्ट खेला, उसने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था इसके, फिर इसकी जगह पर रिजवान को फिर खिलाया, रिजवान का अच्छा परफॉर्मेंस। तो अच्छा प्लेयर है? हाँ रिजवान का मेरा फेवरेट प्लेयर है, लेकिन बाबर आजम है ज्यादा, बाबर आजम को बहुत पसंद है। इंटरनेशनल लेवल पे नंबर वन पे भाई। हाँ बाबर तो हम लोग बहुत सपोर्ट करते हैं, नंबर वन है, ये लोग बोलते हैं किंग कोहली, हम लोग बोलते हैं नहीं बाबर है, बस हम लोग बाबर है। ड्राइव हम लोगों को बहुत ही पसंद है, अच्छा प्लेयर है। जी जी, अभी T20 वर्ल्ड कप भी आ रहा है? जी वो मैंने देखा, शेड्यूल देखा, पाकिस्तान और इंडिया फिर एक ही ग्रुप में थे। वो तो होते ही है ना, क्योंकि सबसे बेहतरीन मैच यही मैच होते हैं, बहुत क्राउड होते हैं, इस वजह से लोग बस इन लोगों को छुट्टी खसूसी करेंगे। नहीं छुट्टी मैंने 5 साल से मदरसे में छुट्टी नहीं की। ये मैच अगर फिर क्या करेंगे? बस इंशाल्लाह छुट्टी नहीं करेंगे, फिर हम लोग हाईलाइट देखते हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह करे कि आप बहुत अच्छे आलिम दीन बने और हम जो मुआशरा है उस सबकी खिदमत करें, हम सबको एक अच्छी राह दिखाएं। जी इंशाल्लाह, शुक्रिया। बाबर आजम जिंदाबाद। बाबर आजम भाई जिंदाबाद। यहाँ पर और भी प्लेयर्स हैं, देखते हैं वो कौन कौन हमारे साथ है। एक और भाई हमारे साथ, इनसे भी बात करते हैं। जी जनाब, क्रिकेट का जो है मैचेस चल रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ पर एक भाई है मूंगफली खा रहे हैं, मौसम भी मूंगफली का है और मजेदार गर्म भी है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इमरान नाम मेरा। मोहम्मद इमरान है। मोहम्मद इमरान भाई, क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहे, मूंगफली खा रहे हैं? सर सर्दी है, फिर मैंने थोड़ा धूप में अपने धूप सेक लूं, उसके बाद क्रिकेट खेल लेंगे। अच्छा 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 अच्छा, एक थोड़ी सी एक वो करे ताकि लोग मोहम्मद इमरान भाई को देख ले, थोड़ा सा बस, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। अगर अब ठीक है, मेरे ख्याल है कैमरे की तरफ देखेंगे आप। मोहम्मद इमरान भाई ये बताएं किस इलाके से ताल्लुक है आपका? सर मेरा दालबंदी से ताल्लुक है। दालबंदीन से? जनाब मैं बताता चलूं, दालबंदीन हमारा बड़ा खूबसूरत इलाका है बलूचिस्तान का, रेगिस्तान भी वहाँ मौजूद है,
और वहाँ पर बॉर्डर भी करीब है ईरान का हमारे पास वहाँ पर, और बहुत गर्म इलाका है, गर्म इलाका है, इसीलिए मूंगफली खा रहे हैं भाई। क्वेटा में तो सर्दी हो गई है, अभी दालबंदीन इस टाइम क्यों नहीं गए, इस मौसम में तो लोग रुख करते हैं वापस दालबंदीन साइड का कराची, दालबंदीन के खुद हम यहाँ ही रहे थे, क्वेटा में रहे थे, घर भर वहाँ पे नहीं है, वहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो छुट्टियों में क्यों नहीं गए? बस सर यहाँ पर क्वेटा में जाने का दिल नहीं कर, डिप्टी भी है, नौकरी भी, इसलिए बस बस ये देखे ना काम वगैरह चल रहा है इनका। अच्छा ये मुझे बताएं मैच खेली आपने? मैच तो नहीं खेला अभी तक, तो आए हैं मैच के लिए? फिर देखने के लिए आया हूँ, कल वाला मैच कल खेल लेंगे। अच्छा आप क्रिकेट खेलते हैं, तो मतलब इसका मतलब ये हुआ कि आप क्रिकेट अच्छी खेलते हैं या ऐसी है, लोग क्या कहते हैं? गुजारा है सर, गुजारा है, गुजारा। ये एक ऑनेस्ट राय दी है भाई ने। अच्छा थोड़ा सा ये मुझे बता दें कि आप बॉलिंग करते हैं बैटिंग करते हैं? बैटिंग करता हूँ सर, बैटिंग करते हैं। अच्छा मैंने अक्सर देखा है कि जो थोड़ी सी सेहत होती है ना भाई की, वो बैट्समैन ही होता है, क्यों? भागना ज़्यादा नहीं पड़ता? नहीं नहीं, बैट्समैन ही भागता है। अच्छा सिंगल डबल किस भागना पड़ता है, ज्यादा तेज भागना पड़ता है। सिंगल डबल ज्यादा देते हैं या छक्के चौके? बस छक्के वाली गेंद पे छक्का है, नहीं तो क्लिक करके सिंगल डबल बना लो। अरे एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा, देखिए यहाँ पर आप आए हुए हैं, आपकी ड्यूटी भी है यहाँ पर, आप देख रहे हैं नए नौजवान भी हमारे मौजूद हैं जो कि अभी अभी मतलब के 15-16 साल के बच्चे यहाँ पर हैं, उससे छोटे हैं, यहाँ पर हमारे क्रिकेट में आगे क्यों नहीं जा रहे क्वेटा के बच्चे हमारे आगे, इसकी क्या वजह है? सर एक तो फैसिलिटीज हम लोग की बहुत कमी है, फैसिलिटीज नहीं है आपके सामने, ये सारे स्ट्रीट क्रिकेटर बेचारे यहाँ पर एक ही साथ एक ही पिच पे चार चार बंदे से खड़े, किसी को गेंद लग रही है, किसी को बैट लग रहा है, तो हमें चाहिए इसे हुकूमत को हमारी चाहिए कि हमें कोई ऐसी फैसिलिटीज दे, ग्राउंड बना के दे कि हम लोग में शऊर आए, हमारी ये नई नस्ल आने वाली जितनी भी है ये आगे निकले, आगे ये खेलेंगे ही कौम का माशाल्लाह मुस्तकबिल बनेंगे सर, और इनमें ज़्यादा शौक पैदा होगा, जिससे इस वजह ये भी है इसे नशे से दूर रहेंगे और स्पोर्ट्स तरफ इनका ध्यान होगा, जितना मर्जी ये खेलेंगे माशाल्लाह अपने दिल से खेलेंगे, इनको ऐसी जगह दी जाए कोई मुनासबत से कि जैसे माशाल्लाह से KBK में आप देखो उन्होंने ग्राउंड बना लिए, वहाँ पर सहूलियात है, पंजाब और सिंध में सहूलियात है, बलूचिस्तान बहुत पीछे हम लोगों का, यहाँ पर भी ये ग्राउंड तो सामने है बुकटी स्टेडियम जो हमारा यहाँ पर मौजूद है, तो इसके अंदर क्यों नहीं खेलते हार्ड बॉल, क्यों नहीं खेलते हमारे लोग, टेप बॉल ही खेलते हैं? सर खेल रहे हैं, टेप बॉल एक अपनी नोयत रखता है, हार्ड बॉल एक अपनी नोयत रखता है, ज़्यादातर लोग जो है टेप बॉल को पसंद करते हैं क्योंकि जो है 6 ओवर का मैच होता है और 6 ओवर में खाल चढ़ाना होता है, T20 से वो इसलिए दूर है, काफ़ी लोगों में आहिस्ता आहिस्ता शऊर आ रहा है इंशाल्लाह ताला, जैसे जैसे बढ़ता जाएगा आगे शऊर आ जाएगा और लोग आ रहे हैं माशाल्लाह, वाहिद बंगुलज़ई हैं, असीबुल्ला माशाल्लाह सेलेक्ट हुए, आप देखिए मेहनती प्लेयर है लोग, जैसे जिनको चांस मिलता रहेगा चार बंदे इनको देख के और भी आएंगे, वो भी माशाल्लाह उनका ध्यान क्रिकेट की तरफ होगा, वो लोग मेहनत करेंगे स्टेप पे पहुंचेंगे कि बलूचिस्तान का नाम रोशन करें, बिल्कुल ये हमारी दुआएं हैं असीबुल्ला के लिए और वाहिद बंगुलज़ई के लिए कि इंशाल्लाह ताला बलूचिस्तान का नाम रोशन करें, इनको देख के जो हम लोग की नई नस्ल है वो भी आगे आ रहे हैं। नसीम खान हुआ करते थे एक प्लेयर, शायद आप उनको जानते हो क्योंकि हमने भी अंडर 19 खेली थी, तो नसीम भाई के साथ हमने खेला था, अब तो वो फौत हो गया, उनकी मगफरत फरमाए, बहुत बेहतरीन लेफ्ट हैंड बैट्समैन थे। जी जी जी, उनके साथ कभी इतफाक हुआ खेल? नहीं उनके साथ कभी इतफाक सुना, उनके नाम उनका सुना हुआ, नाम उनका सुना हुआ, बहुत बड़े प्लेयर थे। अच्छा माशाल्लाह, मुझे शर्फ था, मैंने उनके साथ खेला जी और उनको आउट करने का भी शर्फ रहा है मेरे पास, लेकिन ये था कि उनको भी पाकिस्तान में सिलेक्शन हो गई थी, अनफॉर्चुनेटली वो नहीं खेल सके, लेकिन अब हसीबुल्ला और अब्दुल वाहिद बंगुलज़ई हैं, बिस्मिल्ला खान हैं, जल्लाद खान हैं, ये सारे लोग जो हैं आगे जाएंगे और इंशाल्लाह अज़ीज़ हमारे बलूचिस्तान का जो है नाम पाकिस्तान में और पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन। थैंक यू जनाब, हमारे साथ रहिएगा, और भी इंटरव्यूज़ हैं, और भी लोग हैं, उनसे भी हम बातें करेंगे। जी जनाब, यहाँ पर मेरे साथ चार छोटे और दो बड़े, मतलब आप मिक्स ही कह लें, हमारे साथ भाई मौजूद, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? ज़ैफ़िन। ज़ैफ़िन, क्या मतलब है इसका? कीमती तोहफा। कीमती तोहफा हमारे साथ है, आपका क्या नाम है बेटा? अदनान। अदनान है, अदनान है, आपका नाम क्या है? अराइल। अराइल, अराइल, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब खुदा का शेर। खुदा का शेर, आपका क्या नाम है? ये शब। ये शब, इसका क्या मतलब है? खुदा का कीमती पत्थर। ये भाई सारे यहाँ पर कीमती भी हैं, अनमोल भी हैं, सारे ये हमारे पास हमारे साथ बच्चे मौजूद हैं। अच्छा ये बताएं, क्रिकेट खेलने आए हुए यहाँ पर? हाँ जी। इस टाइम क्यों आए, लेट क्यों आए, सुबह क्यों नहीं आए? सो रहे थे। सुबह सो, छुट्टियाँ हो गई है ना तो सो रहे थे। क्रिकेट में क्या खेलते हो आप, बॉलिंग करते हो, क्या करते हो? दोनों चीज़ें। एक और ऑलराउंडर मिल गया भाई। अदनान आप क्या करते हो? क्रिकेट और क्रिकेट। नहीं, क्रिकेट तो खेलते हो, बॉलिंग करते हो, बैटिंग करते हो? बैटिंग। बैटिंग करते हो, अच्छा जी। आप क्या करते हैं? मैं भी ऑलराउंडर हूँ। ये भी ऑलराउंडर है आप? ऑलराउंडर। ऑलराउंडर है, अच्छा। कौन सा फेवरेट प्लेयर है आपका? बाबर आजम। बाबर आजम, आपका? बाबर आजम। फखर जमान। बाबर आजम। चले जी, तीन लोगों का बाबर आजम पसंदीदा है। अच्छा अभी जो मैचेस चल रहे हैं, टेस्ट देख रहे हैं? नहीं देख रहे? नहीं। कैसे कैसे आप देख रहे हैं जी? क्या कमी है हमारी टीम में ये बताएं जरा, तजिया लेते हैं जरा इनसे।
यार बहुत कमी है टीम में। क्या कमी है? बहुत कमी है, क्या कमी है? अच्छा ये मुझे बता दें जरा कि अभी T20 का वर्ल्ड कप आ रहा है, देखेंगे वो? हाँ जी। PSL देखते हैं? PSL के मैचेस भी नहीं देखते? देखता हूँ। कौन सी टीम पसंद है? क्वेटा। कौन सा प्लेयर है जो आपको पसंद है क्वेटा का? क्वेटा का एक नसीम शाह है, और है कौन है और? अच्छा नसीम शाह। नसीम शाह तो चला गया ना अभी। किधर चला गया? निकल गया ना टीम से, सरफराज भी निकल गया। अच्छा अच्छा हाँ अच्छा ठीक हो गया। ये मुझे बताएं कि आप बड़े होके क्या बनेंगे? मैं बड़े होके क्रिकेटर बनूंगा। आप क्या बनेंगे? क्रिकेटर। आप? बिजनेसमैन। आप? बिजनेसमैन। चले भाई दो बिजनेसमैन बनेंगे, इनको स्पॉन्सर करेंगे आप लोग क्रिकेट में ना, ठीक है ना? अच्छा ये लोग अपना मैच खेलते हैं, टाइम भी इनका कम है, धूप जा रही है, तो ये लोग अपना मैच खेलें, हम चलते हैं आगे, आपको लेके चलते हैं, हमारे साथ रहिएगा है।